हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। आज थोड़ा जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ, आज थोड़ा सा ये ट्रिकी है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मैं आज आपके लिए एक बोलते हैं हिंट है, या फिर थोड़ा सा आपके लिए सीक्रेट बातें हैं यहाँ पर, जो आज आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, परीक्षा आपका है, सब कुछ आपका है, तो आज आपको बताना है। यहाँ से कुछ मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। इस 15 से 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पे गलत है, ठीक है? मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। आपके लिए चैलेंज है कि आपकी प्रैक्टिस कितना हुआ है, आपकी प्रिपरेशन कितना हुआ है, आपके यहाँ पर कैपेसिटी, आपका दिमाग आज यहाँ पर चेक करना है कि हाँ आपकी मेहनत कितना कंप्लीट हुआ है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है इस परीक्षा में, ठीक है? तो इसमें से 2 क्वेश्चंस के आंसर मैंने गलत बताया है। आज आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इसमें से वो कौन सा क्वेश्चन आंसर है जिसका यहाँ पे आंसर गलत बताया है, ठीक है? वो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है उस तरीके से आपको बताना है कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर का ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर दूसरा है, ठीक है? तो ये आज आपको बताना है यहाँ पे। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट से यहाँ पे पता चला कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुआ है यहाँ पे और कितना बाकी है, ठीक है? और इसी तरीके से एक जब हमें कुछ एक नया कुछ करने को मिलता है, एक नया चैलेंज होता है, इस तरीके से और माइंड हमारा करता है कि हम और चीज़ों को सॉल्व करें, थोड़ा सा माइंड भी आपका यहाँ पे डेवलप होगा। हमें एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस क्या है, देखो रीजनिंग मैथ, छोटे मोटे मैथ सबको आते हैं, ठीक है? बट जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ऑन टाइम पे, फटाफट एट द टाइम पे ख़त्म करना पेपर को ही हम एक अच्छा बेस्ट स्टूडेंट मानते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं एक एक क्वेश्चन को ही बहुत टाइम लगाते गई, फिर लास्ट में आप पेपर छूट गया, तो वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं कहलाता, वो कट ऑफ को भी नहीं पार कर पाता, ठीक है? तो इतना प्रैक्टिस, इतनी कैपेसिटी, इतनी स्पीड आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो आज मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया, इसको प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि वो कौन सा क्वेश्चन आंसर है जिसका यहाँ पे आंसर रॉन्ग है। तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ, ऐसे चैलेंज वाले क्वेश्चन, थोड़ा आपको इंकरेजमेंट करना, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं इंटरेस्टिंग लगना, इस तरीके से हम आपके लिए कोशिश लेके आते रहते हैं कि आपका मन लगा रहे, प्रैक्टिस करते रहो, आपकी यहाँ पे कैपेसिटी, आपका स्पीड यहाँ पे बढ़ता रहे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर चीज़ लेके आता है। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ओके आपको ये दिख रहा है? ओके, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, तो 26 पुरुष मतलब ये बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको बताते जाती हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, किसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, उससे पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रही हूँ, आप पढ़ो, सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ मुझे इसका आंसर रॉन्ग है, क्यों से क्वेश्चन आंसर का रॉन्ग है, ये आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए मतलब देखा जाए कि भाई आपकी प्रैक्टिस कितना हुआ है। ये जो आपको ग्रीन में ऐसा दिखा ना, ये राइट आंसर मतलब दिखाया है, बस इसमें से 2 क्वेश्चन आंसर का मैंने आंसर यहाँ पे गलत बताया, वो आपको क्वेश्चन नंबर बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर गलत मैंने यहाँ पे बताया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका आंसर यहाँ पे बी दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। आप चाहो तो ये भी बता सकते हो, यहाँ पे देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है? तो आप ये भी बता सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके लिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, प्रैक्टिस करो कम से कम, और बताओ मुझे कि हाँ कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है।
ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन का, सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो फटाफट, अच्छे से फटाफट सॉल्व करो। ये क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये क्वेश्चंस है, ब्याज इंटरेस्ट आप सबको पता है साधारण ब्याज ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सॉल्व करके बताना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा है, आंसर भी यहाँ पे देखो ई दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने उसका बहुत क्वेश्चन लेके आया है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपके लिए ही वेलफेयर है। और एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 13 है, कुछ बच्चे मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैम ये स्टीनो का है कि किसका है, तो यहाँ पे मैं सबको बता दूँ, देखो आपका जो सिलेबस है ना, चाहे वो स्टीनो का हो चाहे आपका हो, सबका यहाँ पे सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क जो पैटर्न है ना उसमें है। जो फर्स्ट वाला जो कोड दिया गया ना, किसी का कोड वाइज जो भी कोड दिया है उसमें देखो एक कोड 100 का दिया है, फिर 25 25 का है, उसके बाद कैसा है एक कोड वाला 50 50 50, पर जो दोनों का सिलेबस है ना यहाँ पे सेम है, सिलेबस में कुछ फ़र्क नहीं आया है, बस जो पैटर्न हो गया ना 50 का 25 का किसी का 100 का, ये पैटर्न बस सबका आपका अलग है। तो ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ तो ये सबके लिए यहाँ पे सेम है, किसी एक के लिए ऐसे अलग नहीं है। मैंने आपको इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था पूरा, उसमें मेरा मैंने पूरा पैटर्न ही करवा दिया था, तो वो इंग्लिश का पैटर्न सबके लिए सेम है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बस फ़र्क इतना होगा किसी के लिए 25 का पूछेगा तो किसी के लिए 50 का पूछ रहा है, बस और बस इतना ही फ़र्क है, मार्क्स का फ़र्क है, बाकी पैटर्न हर चीज़ यहाँ पे है। अब जिसको 25 का पूछा उसको दो तीन ही क्वेश्चन दे देगा हर एक पार्ट में, जिसको 50 का है उसका एक एक पार्ट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे देगा, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं 25 पूछा जाएगा, इसलिए हर एक पार्ट में 2 या 3 ही क्वेश्चन देगा। तो सबके लिए यहाँ पे सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था, अब ये आपका आ गया है आंसर की, सॉरी ये गलत है, बस यहाँ तक ही क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर पूरा आपका सिर्फ 13 तक ही है, ठीक है। अब ये 13 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आधे घंटे से बहुत ही कम टाइम लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ इस 13 क्वेश्चंस में ऐसा वो 2 क्वेश्चन कौन सा है जिसका आंसर मैंने यहाँ पे रॉन्ग बताया, ठीक है। उस 2 क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप इस 13 को पूरा प्रैक्टिस करोगे, एक तरह से आपको पूरा तरीका मिल जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, हर चीज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और सजेशन के साथ में। कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका पूरे की पूरे तरीके से अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।